नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों आज हम चावल की खीर बनाएंगे, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चावल की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, ये फुल फैट मिल्क है। चावल है 70 ग्राम, इन्हें मैंने 1 घंटा भिगो के रखा था। 150 ग्राम चीनी, 1 छोटा चम्मच केसर, काजू और बादाम बारीक कटे हुए, 1 छोटा चम्मच इलायची और जायफल का पाउडर। सबसे पहले हम दूध को गर्म करेंगे और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे तले में चिपक ना जाए। और इसमें से थोड़ा सा दूध हम ये केसर में डाल के रखेंगे और ये जो केसर है हम आखिर में डालेंगे। अब दूध को हमें उबालना है, उबाल कर इसे गाढ़ा होने तक हमें उबालना है, उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। दूध उबल चुका है, ये काजू और बादाम हम इसमें डाल देंगे। देखिए ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अब हम ये चावल इसमें डालेंगे और चावल को इसमें पकने देना है। दूध को हमने 20 मिनट तक उबाला है और ये चावल पकने तक हमें इसे फिर से उबालना है। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। चावल पक चुके हैं, हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी पिघलने तक इसे पकाएंगे।
चीनी पिघल चुकी है, हम इसमें इलायची और जायफल का पाउडर डालेंगे और इसे बराबर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये जो केसर में हमने दूध डाल के रखा था, ये केसर हम इसमें डालेंगे। इसे हम बराबर मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए उबालेंगे। यह हमारी खीर बनके तैयार है। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। यह हमारी खीर बनके तैयार है। इसे गुजराती में दूधपाक भी कहते हैं। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।